ओम गणेशा। ये नमः सर्वपित्र अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस बार सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान विष्णु के हंस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भी पितृगणों के लिए श्राद्ध, तर्पण व पिंड दान किया जाता है, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, अगर किसी को नहीं पता है कि हमारे पितर किस दिन गए थे, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो अमावस्या वाला दिन होता है, यानी कि जो 14 अक्टूबर का दिन आएगा, जिस दिन सर्व पितृ अमावस्या है, उसी दिन उनका श्राद्ध तर्पण कर देना चाहिए। पितृ श्राद्ध या फिर श्राद्ध की जो शुरुआत है वो 29 सितंबर से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। सर्व पितृ अमावस्या को महाल्या अमावस्या, पितृ अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और यही पितृपक्ष का आखिरी दिन भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अमावस्या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मानी जाती है। उद्य तिथि के अनुसार इस बार सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को रात को 9:50 पर होने जा रहा है और अमावस्या तिथि का समापन जो है 14 अक्टूबर को 11:24 पर होगा। कौतुक मुहूर्त जो है वो 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। रोहिण मुहूर्त जो है वो है दिन में 12:30 से लेकर 1:16 तक। अपराहंत काल जो है वो है दिन में 1:16 से लेकर 3:35 पर। जो व्यक्ति पितृपक्ष में 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु का या तिथि याद ना हो, उन सभी पितरों के निमित्त भी श्राद्ध, तर्पण, दान इसी अमावस्या के दिन किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अमावस्या के श्राद्ध पर भोजन में खीर पूड़ी का होना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही दही भल्ले जरूर बनाने चाहिए। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले हवन करें, श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा दें और फिर उन्हें विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या पे किस तरह से पूजन करते हैं? तर्पण, दूध, तिल, कुसा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को अर्पित करें। पिंडदान, चावल या जौ के पिंडदान करके भूखों को भोजन कराएं। निर्धनों को वस्त्र दें। भोजन के बाद दक्षिणा दिए बिना एवं चरण स्पर्श बिना फल नहीं मिलता, पूर्वजों के नाम पर करें ये काम, जैसे कि शिक्षादान, रक्तदान, भोजनदान, वृक्षारोपण, चिकित्सा संबंधी दान आदि अवश्य ही करने चाहिए। इस दिन करें पीपल की पूजा। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास होता है, इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का विधान माना गया है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल, काला तिल, दूध मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें। इसके बाद सभी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें और इस दौरान ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी लगातार करते रहें। ओम गणेशा ये नमः। श्राद्ध पक्ष के जो दिन हैं उनमें सुनी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है और पौराणिक कहानी जो मानी जाती है वो है जोगा और भोगा की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगा और भोगा दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा बहुत ही अमीर था और दूसरा भाई बहुत ही गरीब था। दोनों के बीच काफ़ी प्यार था। जोगा की पत्नी को धन का बड़ा ही घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय वाली थी।
पितृपक्ष के आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा तो जोगी ने इसे व्यर्थ का काम मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो लोग तो फिर बातें करेंगे। उसे अपना घर वालों को दावत पर बुलाने का और अपने गौरव और धन के वैभव को दिखाने का कोई मौका गंवाना नहीं था, तो उसने अपने पति से कहा, आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुलाऊंगी, दोनों मिलकर सारा काम करेंगी। फिर उसने जोगे को अपने साथियों को भी आमंत्रित करने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर काम में लग गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत सारे पकवान बनाए। फिर सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने घर को आई। उसे भी तो पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगा की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। दोपहर के कुछ ही समय बाद का समय था जब पितर धरती पर उतरे। आखिर जोगा और भोगा के पिता पहले ही जोगा के पास देखने गए। उसके ससुराल वाले वहीं खाना खाने में व्यस्त थे। निराश होकर वह भोगे के घर पहुंचे। अंगियारी थी वहां, क्योंकि अंगियारी क्या थी, वह केवल पितरों के नाम पर दी जाती है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर में सभी पितर वहां एकत्रित हो गए और अपना अपना श्राद्ध बताने लगे और उनकी बड़ाई करने लगे। जोगा भोगा के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। तब वह सोचने लगे, यदि वह अपनी आजीविका कमाने में असक्षम है तो शायद उसे भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में उसके पास खाने के लिए दो जून की रोटी ही नहीं है। यह सब सोचकर उसे उनके ऊपर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने भोगा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भोगे के धर धन ही धन हो जाए। गोधूली हो गई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। तभी भोगे की पत्नी ने उसे बचने के लिए यह बोला, जाओ आंगन में चूल्हा रख दो, खोल दो और जो कुछ भी मिले उसे मिलकर खा लूँ। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ हांडी टुकड़ों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास गए और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई। सारी जगह हीरे और जवाहरात हो चुके थे। इस प्रकार भोगा भी धनवान हो गया, परंतु धन पाकर वह अहंकारी नहीं हुआ। दूसरे वर्ष जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के पकवान बनाए, ब्राह्मण को बुलाया, श्राद्ध कराया, भोजन दिया और दक्षिणा भी प्रदान की। उन्होंने अपने जेठ जेठानी को भोजन भी कराया। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और सदैव ही प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। श्राद्ध पक्ष पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ भी समझ नहीं आया और वो आहार को तलाशने लगे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तो देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरे जीवन सोना चांदी का दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को तो कभी भी खाना ही नहीं खिलाया। तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन हैं और इसी वजह से उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा दान नहीं दिया। इन सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करके उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। ओम गणेशाय नमः। आज हम पितृपक्ष के दिनों में गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय को सुनने मात्र से माना जाता है कि पितरों की तृप्ति होती है और साथ ही जो भी पितर अवगते होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, हम वैसे तो हर एक अमावस्या पे कुछ ना कुछ चीज़ का दान करते ही हैं, अगर फिर भी आपका पितृदोष खत्म नहीं हो रहा है तो इसके लिए ये एक अचूक उपाय है कि आप गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और सुनें। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा पुण्य मिलता है, मगर यदि आपको पीरियड्स हो रखे हैं, मासिक धर्म आया हुआ है, तो आप इसमें गीता का अध्याय सुन भी सकते हैं। उस टाइम पे आप ये
पाठ अपना समर्पित नहीं कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि ये अशुद्धि के दिन होते हैं। तो तब आप अपने पति से, पुत्र से, या जो भी इंसान आपके जिनको पीरियड्स ना हो रहे हों, ऐसी महिला से भी आप गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। नहीं है तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे गीता के 7वें अध्याय के मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहां जाकर भी गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें शुद्ध जल डालना है, तिल के कुछ दाने डालने हैं, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और गीता का 7वां अध्याय सुनना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले आप ये कहेंगे अपने हाथ की अंजुली में जल लेते हुए कि मैं इस गोत्र से जन्मी हुई, इस गोत्र की वधू, मैं अपने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मेरे कोई भी पितर अगर अवगति को प्राप्त हुए हों तो उन्हें ये गीता का 7वें अध्याय का पुण्य प्राप्त हो, जिनसे उन्हें परम गति की प्राप्ति हो। चाहें तो आप पितृ स्तुति, जो कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है, आप वो भी सुन सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं कि यदि आपके पितृ अवगते हैं, पितृदोष आप पे बहुत भयंकर है, भयंकर से भयंकर पितृदोष का नाश कर देता है गीता का 7वां अध्याय। अगर हो सके तो एक अध्याय से ज़्यादा अध्याय पढ़ें, एक और दो अध्याय, आप दो अध्याय आपको एक साथ पढ़ने होते हैं। अगर वो भी ना कर पाएँ तो गीता का 7वां अध्याय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर, मेरे ही आश्रय होकर, योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहे। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों से भी कदाचित ही कोई मुझे ठीक से जान सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी ही प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृति से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न हैं, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार से मणि पिरोहा जाता है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस भी मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा भी मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रवण भी मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है और अग्नि में जो तेज है, वह भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत, श्रेष्ठ काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धैर्य के विरुद्ध जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उसमें मैं नहीं रहता हूँ, मैं वे मुझ में हैं। सत, रज और तम, इन तीनों भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है, इस कारण यह इससे परे मुझ अव्ययी परमात्मा को नहीं जानते। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है, जो मुझको अन्याय भाव से पूजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ निराधम माया ने, जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको ही भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इसमें सदा मुझसे ही एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत ही प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त अच्छे हैं, और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम
गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ ही है जो कि सब जगत को वासुदेवमय ही समझे। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन देवताओं की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त हो जाते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल तो नाशवान ही है और मेरे भक्तजन मुझ में ही मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युक्त स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख आदि द्वंद्वों के मोह जीव जगत के प्राणी भरम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूट कर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको ही जानते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।